हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल न्यूज 48। होमगार्ड जवानों से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। हर न्यूज़ हम आपको सबसे पहले देते हैं। दोस्तों, होमगार्ड जवानों को लेकर एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। आप जानते हैं, देश के सभी राज्यों में होमगार्ड साथी पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करते हैं, लेकिन उन्हें वो वेतन भत्ता सुविधाएँ आदि नहीं मिल पाती हैं जिसका वो हकदार होते हैं। तो इसकी मांग लोकसभा में उठाई गई है। दोस्तों, होमगार्ड एक्ट 1962 में परिवर्तन की मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया ज्ञापन। दोस्तों, राजस्थान होमगार्ड कर्मचारी संगठन की जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा होमगार्ड एक्ट 1962 में परिवर्तन कर नियमित रोजगार दिए जाने की मांग को लेकर बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को ज्ञापन सौंपा गया। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को जो है वो ज्ञापन सौंपा गया है और ये मांग की गई है कि होमगार्ड एक्ट 1962 में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि दोस्तों 1962 में जो होमगार्ड एक्ट बना था उसके बाद से इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है। तो अब ये मांग की गई है कि जल्दी से जल्दी जो है इसके ऊपर जो है वो सरकार को और लोकसभा के अंदर ये बिल पारित करके होमगार्ड साथियों को न्याय मिलना चाहिए। जानकारी देते हुए गणपत लाल वैष्णव ने बताया कि होमगार्ड कर्मचारी देश में स्वयं सेवक के रूप में कार्यरत हैं तथा वर्तमान अलग अलग नियमों के तहत निरंतर अपनी सेवाएं देते हैं। 58 वर्षों से कार्यरत होमगार्ड कर्मचारियों को राज्य अथवा केंद्र कोई भी सरकार अपना कर्मचारी नहीं मानती है, जबकि कई तरह की आपातकालीन त्यौहार व चुनाव में कहीं भी ड्यूटी करने में तत्पर होमगार्ड जवान जो हैं वो तत्पर रहते हैं। होमगार्डों ने अपनी मांगों को लेकर वर्षों से पीड़ित हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के कानून के हिसाब से 20 या उससे अधिक कार्यरत कर्मचारियों की निजी संस्थाओं में भी मेडिकल और पीएफ की सुविधाएं मिलती हैं, जबकि होमगार्ड इससे भी वंचित हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर किसी भी कर्मचारी या संस्था में अगर 20 से ज़्यादा कर्मचारी हैं तो उन्हें पीएफ और मेडिकल सुविधाएँ मिलती है, लेकिन होमगार्ड साथियों की संख्या तो लाखों में है जो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी जनता की सेवा करते हैं, लेकिन होमगार्ड साथियों को जो है वो ये सारी सुविधाएँ नहीं मिल पाती हैं। तो इसकी मांग की गई है। जो कर्मचारी पुलिस के जवान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। वर्ष भर में केवल 2 से 4 माह ही रोजगार मिलता है, जबकि शेष 8 माह बेरोजगार रहना पड़ता है। अपनी पीड़ा को लेकर बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र होमगार्ड एक्ट 1962 में परिवर्तन कर होमगार्ड कार्मिकों को नियमित किए जाने की मांग की गई है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं होमगार्ड साथियों ने जो है वो ये ज्ञापन सौंपा है और ये मांग की है कि होमगार्ड जवानों को जो है वो नियमित किया जाए और उनका जो एक्ट है 1962 उसमें परिवर्तन किया जाए। दोस्तों, ये बिल्कुल जायज़ मांग है और सरकार को इस पर जल्दी से जल्दी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि होमगार्ड जवानों के साथ जो है वो इतने वर्षों से अन्याय होता रहा है। तो इस पर सरकार को जल्दी से जल्दी गौर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। होमगार्ड जवानों की हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।